मैं ताली वाला आदमी नहीं हूँ कि हाथ खड़े कर लो और फलाना है, और भी मालूम पड़ेगा हाथ खड़े करो और यहाँ से फट गया, किसका नुकसान हुआ? रोते फिर इधर फटी हुई बांध लेके, और बोले फट गया, बोले क्या फट गया, बोले ये फट गया, नाम भी मालूम नहीं कि इसको क्या कहते, बोला फट गया ये नाम भी मालूम, हाँ मालूम ही नहीं बोला फट गया, तो ये फट जाए ऐसे काम मत करो। इन्होंने कह दिया कि हाथ खड़े कर लो, तो आपने भी हाथ खड़े कर दिए और ताली बजा दी। कौन बजाता है ताली? नहीं, किसका काम है बजाना ये बताओ मेरे को आप? ये कटे फटे काम मत करो, ऐसा मत करो आप। पहले कटी, हाँ भुवन जी, पहले कटी हाँ फिर फटी। क्या तुक मिला ही? अरे आप मजाक मत समझो, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, और आपको विश्वास नहीं हो तो ये देखो अब फूल जाएगा। पहले ये कटी फिर फटी, फिर फटी, इसके बाद फंसी ये तार में। आंसू कविता हो गई ये? अरे आंसू कविता का बाप होगा, अब देखो तो तुम यार, मेरी तबीयत खराब है, इसका मतलब ये थोड़ी गला थोड़ी खराब है मेरा। और दिमाग भी खराब नहीं है? दिमाग भी खराब नहीं, गला खराब नहीं, अब जो खराब है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, और उसका कोई उसकी जरूरत ही नहीं है माइक में, इसलिए आप कतई चिंता ही मत करो आप। समझ ही नहीं रहे भाई, इस देश में फूल 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 मत बिगा, फूल फूल इधर जा, फूल बड़े नाजुक होते हैं, ये फूल फेंकने की चीज नहीं है, ये फाड़ने की चीज नहीं, आप फूल को चीर रहे हो, तो फूल को ऐसे मत चीरो, क्योंकि फूल के चक्कर में ही तो ये पहले कटी फिर फटी फिर फंसी तार में। शायद ये भी आराम से, प्लीज 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 सर प्लीज दोस्त, हेलो इसी की अटकी है ये जो शांति शांति पकड़ो, शांति पकड़ो, अरे कवि सम्मेलन कहीं शांति पकड़ो, शांति पकड़ो। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे बिल्कुल, ना तो ज्ञान की बातें करूँगा, ज्ञान की बातें करने के लिए साध्वी जी को अपन ने बुलाया था, अभी उनकी कथा है यहाँ से, उन्होंने कह दिया कि 3 घंटे लगते हैं, खाचरोद में चल रही है उनकी कथा, खाचरोद से वो यहाँ आए, इसलिए आए कि यहाँ भी कुछ न कुछ ज्ञान की बातें करूँ, पर यहाँ ज्ञान की बातें उन्होंने नहीं करी, उनको मालूम था कि यहाँ पे पहले राम की कविताएं ले लेकर के बैठे हुए हमारे बाबा जी बैठे हुए, राम का हमने जेक जरिया लगाया, हमारे भुवन मोहिनी जी ने 2-2 PhD करी, और 2-2 PhD करने के बाद में इन्होंने आकर के ये बताया कि रावण की अगर बेटी होती, मंदोदरी की बेटी होती, तो वो सीता का हरण नहीं करता, ये बात बताने के लिए 2 PhD करना पड़ती है। ये बात रावण की मंदोदरी की बेटी, ये क्षण पढ़ा ना इन्होंने, यही मंदोदरी की अगर बेटी होती तो वो सीता जी का हरण नहीं करता, ये बात बताने के लिए इनको 2 PhD करना पड़ा। 2 PhD के बाद में पता चला कि मंदोदरी की बेटी नहीं थी, अब इनको ये कौन बताएगी, इनको ये मालूम ही नहीं मंदोदरी की बेटी थी कि नहीं थी, आपको शायद जानकारी नहीं थी भुवन जी, मैं आपका बहुत छोटा सा जानकार हूँ, इतनी जानकारी नहीं, परंतु मंदोदरी की बेटी थी, और अगर नहीं थी तो आपको कैसे पता कि नहीं थी, क्योंकि उस समय ना तो आप थे ना मैं था, भाई अपन दोनों नहीं थे, तो अपने को कैसे पता कि उसकी बेटी थी कि नहीं थी, और बेटी होने से क्या उसका हृदय परिवर्तन हो जाता? रावण की अगर बेटी होती, मंदोदरी की बेटी होती, मंदोदरी ही रावण की अकेली पत्नी थी, बाबा तुलसी लिखते हैं, बाबा तुलसी का लिखा हुआ कभी भी असत्य नहीं हो सकता, ये सारी बीजेपी बंटी भैया आप क्या समझ रहे हो, ये अभी कल परसों अटल बिहारी वाजपेयी के पहले ये बीजेपी का निर्माण हुआ, ये आदिकाल से चला रहा भैया, आज से 500-700 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे की संतान बाबा तुलसीदास ने राम कथा तुलसी उन्होंने मानस के अंदर लिखा, और जो हम रोज पढ़ते परंतु समझ में किसी की नहीं आ रही, मेरे को आ गई, और मेरे को इसलिए आ गई क्योंकि मैंने PhD नहीं करी, बगैर PhD करे मेरे को समझ में आ गई, 500 साल पहले बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, 500 साल पहले उन्होंने लिखा कि अमित भट्ट नाम कठिन कराला,
अमित नाम, अमित सुंदरकांड कितने पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं मंगलवार, उसमें लिखा सुंदरकांड में बाबा ने कि अमित नाम भट कठिन कराला, उसमें एक शब्द आया भट, यानी एक तो भट भट मारता भी बहुत तगड़ा अगला आदमी। ये बात 500 साल पहले तुलसीदास जी लिख के चले गए, उन्होंने 500 साल पहले, आप आज प्रचार कर रहे हो यार यहाँ पे नरेंद्र मोदी और हर मोदी घर घर मोदी, अरे 500 साल पहले तुलसीदास जी लिख करके चले गए, उन्होंने ये बात 500 साल पहले लिख दी, श्री रामचंद्र कृपाल उपज मनारण भव बजा, 500 साल पहले लिखा नव कंज लोचन, लोचन लोचन कंज कमल के सिर जिनकी आंखें, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जिनके चरण कमल है आंखें कमल हाथ कमल, 500 साल पहले कमल को फंसा के चले गए तुलसीदास जी, कोई आज तक चल गया ये हम आज इसका प्रचार कर रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं हो, और ये अमल कमल कोई कुछ भी नहीं हटे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके बीच में एक बात पहले से कह दूं, अगर मेरे को आपको 10-20 मिनट सुनना है तो पहले तो अपने राजनीतिक दुशाले उतार लेना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे, अपना राजनीतिक दुशाला थोड़ी देर के लिए उतार दे, इसके बाद मेरे को सुनने का मजा आएगा, और जो कांग्रेस के लोग हैं वो उनके लिए छूट है, वो नहीं उतारे तो चलेगा, उनके पास है ही नहीं तो क्या उतारे वो क्या उतारा कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो सामान्य सी बात है, आदमी को कहीं भी शांति नहीं मिले, कहीं भी, अरे कहीं भी शांति नहीं मिले। अभी आप महिलाओं से बात करो, ये बाहर कितनी ठंड पड़ रही, देखो तो ये बाहर कितनी ठंड पड़, अब यार ठंड में ठंड नहीं पड़े तो कहीं होएगा, ये बाहर कितनी ठंड पड़ो देखो तो, अब मैंने कहा यार गोदड़ा लेके आता है घर से, कई बार ऐसा हो गया, अभी हमारे एक वहाँ कवि सम्मेलन करवाया तो एक हमारी कवित्री वो मुमताज, हाँ मुमताज नसीम, तो वो क्या हुआ कि साहब शशि भाई और ये चले गए मोहनगढ़ा, एक जगह बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ पे वो मुमताज जी नसीम हमारे दिल्ली के कवित्री है, तो दिन का मामला था, वो बाजार में घूमने के लिए चले गए, वहाँ राजगढ़ में क्या है कि रबड़ी बहुत अच्छी मिलती है, बोले आओ हम तुमको रबड़ी खिलाते हैं, तो वो रबड़ी खाने के लिए चले गए। बात बहुत ध्यान से सुनना, हालांकि मेरी बातों को अक्सर ध्यान से सुनता जाता है, मैंने मजाक मत समझना, परसों रोज की बात है, रायपुर के अंदर मेरा कवि सम्मेलन था, चार लड़के बिल्कुल ध्यान से नहीं सुन रहे थे, थोड़ी दूर गए उनको उल्टी शुरू हो गई, एक बात बता रहे मैं आपको बोरियत करने की बात नहीं करूंगा, मैं ज्ञान की बात नहीं करूंगा, मैं कोरोना की कोई बातें नहीं करूंगा, इन्होंने कहा कोरोना आया, अरे कोरोना कोई कोरोना हो रहा ना कहीं कुछ नहीं आया, कोरोना की मैं बात नहीं करूंगा, कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, 8-9 महीने रह के क्या कर लिया उसने कोरोना, उसको मालूम नहीं है इतने सारे लोग बैठे हुए कहां कोरोना, कोई मरिया नहीं करिया ना कोई, कुछ भी फोक की बात है नवरी फोगट की बात है कोरोना। आज से मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, आज से बहुत पहले एक पुरानी बात बता रहा हूँ, सांसद महोदय आप भी उस समय नहीं थे तब की बात है, नहीं मैं बता दूँ नहीं तो मालूम पड़ा कि ये कहते यार मैं तो था, तो आप उस समय नहीं थे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ लगभग आज से 5,000 साल पहले की, तो 5,000 साल पहले 5,000 साल पहले क्या हुआ कि हेमंत पांडे जी आपने बहुत शानदार शुरुआत करी है कवि सम्मेलन की, हेमंत पांडे लखनऊ से आए बहुत शानदार, बता रहे थे कि हमारे वहाँ कानपुर, कानपुर लखनऊ के पास में ही तो है, यार इसको तू ये अमन कितनी चिंता करता है यार, कानपुर की जगह लखनऊ बोल जाते इसको चिंता हो गई, यार कोई किसी के पास में है और कितना दूर इसको अपने क्या लेना देना, कानपुर का कह जाता इनसे कौन से 2,000 रुपये काट लेगा अगला आदमी, और इतना आप बिल्कुल भाव, ये अमन चिंता कितनी करता है यार, चिंता कर करके इसका शरीर गल गया पूरा यार, गाल में खड्डे पड़ने लग गए इसके, इतनी चिंता मत करा कर। तो मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, योगेश्वर कृष्ण ने, साध्वी जी यहाँ पर गई शायद वो भी मेरे इस बात को पहली बार सुनती, मैं योगी साध्वी और साधु तो नहीं हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ, साधु नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, ये अलग बात है कि मैं बैरागी हूँ, और मैं ओरिजिनल बैरागी हूँ, और ओरिजिनल इसलिए बैरागी हूँ क्योंकि मेरे पिताजी भी बैरागी थे, तो मैं बैरागी हूँ क्योंकि ये गुण तो पितृ गुण आता, ब्लड ब्लड कभी जाता थोड़ी है क्या भाई, ये तो ब्लड का खेल है मेरे दोस्त, तो मेरे अंदर ऐसा ब्लड है, मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, विद्वान आदमी हूँ, हमारे बीच में सत्यनारायण मोरे बाबा साहब बैठे हुए हैं, देश के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े वक्ता, बहुत बड़े कलाकार आपके बीच में पढ़ेंगे, ये बात वो वाकई में इतने बड़े हैं, परंतु फिर भी मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब उनका नंबर आए तो वो भी यहाँ पे बोले कि जानी बैरागी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े कवि हैं, इससे क्या है कि भाईचारा बना रहता है, तारतम्य बना रहे, भाईचारा बना रहे, है ना, क्योंकि अपने को करना तो कुछ भी नहीं, अभी खाली भाईचारा बना के रखना,
और भाईचारा बनाने में अपने से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हम तो भाईचारा बना के ही रखेंगे और मैं ये भाईचारा हाथ खड़े करो, मैं बिल्कुल हाथ खड़े नहीं। और आपको इतना ही मालूम नहीं बंटी भैया, इतनी तो ट्रेनिंग दो अपने विधानसभा क्षेत्र में, हाथ खड़े करो। कैसे अभी खड़े हो गए तो डेढ़ साल में हालत खराब हो गई, हाथ ही हाथ दिख रहे थे, दिख रहे थे। उन हाथ को वापस बिठाने के लिए यार 22 जने को इधर से उधर कुदाया कि नहीं कुदाया। हाथ खड़े सीटी मत बजाओ रे भैया, सीटी मत बजाओ। यूं ये अदब की महफिल है, ये संस्कारों की महफिल है यार मेरे दोस्त, जरा समझिए आप। हम मालवा की सरभूमि पे बैठे हुए हैं, ये मालवा, ये मध्य प्रदेश। हमारे भाई मुकेश भाई ने बताया कि क्षिप्रा मैया का तट, यहाँ माता क्षिप्रा कल कल करके बह रही है। ये वो क्षिप्रा मैया जिसके तट पर बैठकर कभी बाबा कालिदास ने मेघदूत का निर्माण किया हुआ है। ये अदब की महफिल है, ये संस्कारों की महफिल है। आपको इस तरह से सीटी बजाना अच्छी बात नहीं है। हालांकि मैं ये सब क्या जोर, मैं मजाक कर रहा हूँ, रियल मत समझना, बोलना पड़ता है।